हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने और समझने वाले हैं वर्कशीट नंबर 17। ठीक बच्चों, ये आपके इंग्लिश की वर्कशीट है, इसमें कोई इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम नहीं है। ठीक है, क्लास सेवन्थ और क्लास एट्थ के स्टूडेंट के लिए आपके इंग्लिश की वर्कशीट है। ठीक है, जो एक जनरिक वर्कशीट है, जो आप अभी जनरल वर्कशीट जो करते आ रहे हो, कॉमन वर्कशीट जो आपकी है, उसी नोटबुक में आपको ये करनी है। ठीक है बच्चों, तो जो पुराने बच्चे हैं वो जानते हैं मैंने अपने चैनल पर एक गेम स्टार्ट करने वाला हूँ। ठीक है, जिसके लिए मैंने स्टूडेंट्स को बोला था कि आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेंगे। ठीक है, जिससे क्या होगा कि जो भी स्टूडेंट उसमें विनर होगा उसे उसके बारे में पता लग जाएगा कि वो जीत चुका है। ठीक है, तो उसके घर पे जो डिलीवर किया जाएगा गिफ्ट, तो उसके लिए एड्रेस वगैरह की जरूरत पड़ेगी, इसलिए मैंने आप लोगों को टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए कहा, जिस पे अनाउंसमेंट भी मैं उसी पे करूँगा। जो स्टूडेंट पूरी डिटेल जानना चाहते हैं वो इस पूरी वर्कशीट को शुरू से लेकर एंड तक अगर आप लोग देखोगे तो मैं उसके बीच में बताऊँगा। ठीक है, चलिए पहले वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक निकाल लेंगे। ठीक है, जिसमें आप लोग क्लास सेवन्थ के बच्चे क्लास सेवन्थ लिखेंगे सबसे ऊपर। ठीक है, क्लास सेवन्थ के बच्चे क्लास सेवन्थ लिखेंगे, क्लास एट्थ के बच्चे क्लास एट्थ लिखेंगे। ठीक है, आप लोगों की इंग्लिश की वर्कशीट है, आप लोग इंग्लिश लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, फिर आप वर्कशीट का नंबर डालेंगे। वर्कशीट का नंबर आपका कितना जाएगा, 17। ठीक है, देखो मैं इसलिए बताता हूँ ये सब चीज़ क्योंकि बहुत ज़रूरी है। ठीक है, आपको बहुत ज़रूरी है कि ये सब चीज़ लिखनी है आपको नोटबुक के ऊपर जब आप वर्कशीट लिखने जा रहे हो। ठीक है, हम लोगों को अच्छी तरीके से काम करना है, नंबर आपको अच्छे लेने हैं। देखो मेरे वर्कशीट कराने का तरीका अलग है। अगर आप पहली बार मेरे से वर्कशीट कर रहे हो तो आप लोग देखोगे कि मैंने कितनी चीज़ औरों से अलग बताई है और अच्छी बताई है और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन आपको प्रोवाइड की है। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपना नाम लिखेंगे। ठीक है, और अपने क्लास टीचर का नाम भी आप लोगों को लिखना है। ठीक है, वर्कशीट का नंबर डाल दिया, सब्जेक्ट डाल दिया, और क्लास सेवन्थ वाले बच्चे ने सेवन्थ लिख दिया, एट्थ वालों ने एट्थ लिख दिया। ठीक है, फिर आपने डेट डाली 26 जुलाई। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी है। और देखो एक चीज़ और, अब आपको हर वर्कशीट का एक टॉपिक लिखना बहुत ज़रूरी है। देखो उससे क्या होता है कि जब आप पलटते हो ना पेज अपनी रिवाइज करने के लिए, तो आपको एक अलग ही पता लग जाता है। हेल्दी हैबिट्स मतलब ये वाली वर्कशीट थी। ठीक है, तो ये टॉपिक डालना बहुत ज़रूरी है, हर वर्कशीट का एक टॉपिक बना के जरूर डालना है। और मैं हर वीडियो में जिसमें नहीं होता उसका टॉपिक बना के बताता हूँ। ठीक है बच्चों, तो इसलिए आप लोग ये बात याद रखें और मैं इस पर स्टार मार्क कर देता हूँ कि ज़रूर आपको ये लिखना है बड़ा बड़ा अपने ब्लैक पेन से। ठीक है बच्चों, चलिए वर्कशीट स्टार्ट करते हैं। सभी बच्चे अपनी नोटबुक और पेन हाथ में लेंगे। सबसे पहले आप लोग ए नोट डाउन करेंगे। ठीक है, सभी बच्चे ए लिखेंगे। देखो ये कंपलसरी है लिखना। ठीक है, लुक एट द पिक्चर केयरफुली एंड राइट द मैचिंग नंबर फ्रॉम द वर्ड बैंक। ठीक है, तो आपको पिक्चर की तरफ देखना है और आपको केयरफुली लिखना है इसमें से देखकर कि कौन सा आपका इसमें कितने नंबर पे दिया हुआ है। ठीक है बच्चों, तो सभी बच्चे पहले नोट डाउन करेंगे ए को। ठीक है, फिर मैं आपको बताता हूँ। देखो कुछ बच्चे क्या करते हैं, डायग्राम भी बना लेते हैं, फालतू की चीज़ लिखते हैं, पर वो नहीं होनी चाहिए। ठीक है, मैं एक्चुअल चीज़ आप लोगों को बताऊँगा आपको करना क्या है। सबसे पहले आपको ए उतार लिया। ठीक है, फिर आप एक हेडिंग डालोगे। ठीक है, वर्ड बैंक। ठीक है, ये आपको हेडिंग डाली सभी बच्चों को। फिर सभी बच्चे वन लिखेंगे। ठीक है, वन लिखने के बाद, ठीक है, सभी बच्चे वन लिखे। देखो इसमें क्या है, स्लिप वेल। आप सभी लोग देखोगे क्या लिखा हुआ है, स्लिप वेल। तो स्लिप वेल आपको कौन से डायग्राम में दिखना दिख रहा है, किसी बच्चे को कोई डायग्राम में बनाना। ठीक है, सभी बच्चों को स्लिप वेल दिख रहा है। ठीक है, स्लिप वेल मतलब सोने वाली बात यहाँ पे हो रही है। ठीक है, सोने वाली बात कहाँ पे हो रही है, यहाँ पे हो रही है। तो सभी बच्चे सिर्फ इसको देखेंगे। ठीक है, तो चलिए इसको मैं नंबरिंग दे देता हूँ। आपको ऐसा कुछ नहीं करना, ना डायग्राम बनाना ना नंबरिंग देनी। ठीक है, मैं सिर्फ समझाने के लिए दे रहा हूँ। 1 2 3 4 5 6। ठीक है, ये हमारे फिगर हैं। देखो हम लोग फिगर नहीं बनाएंगे कोई भी बच्चा। ठीक है, और ना कंपलसरी बनाना नहीं है, सिर्फ आपको बताना है स्लिप वेल आपके कौन से फिगर नंबर में हो रहा है, फिगर नंबर 4। तो आप लोग ऐसे करके लिख दोगे फिगर नंबर 4। ठीक है, मैं आपका ये सोया हुआ है आराम से स्लिप। ठीक है, इसमें सेकंड में आ रहा है हैंड वॉश। सेकंड आप लोग उतारोगे, उसमें एरो डाल को लिखोगे। हैंड वॉश किस में हो रहा है, आप लोग देखोगे सेकंड नंबर के फिगर में हो रहा है। ठीक है, तो आप लोग इसमें लिख दोगे फिगर नंबर 2। ठीक है बच्चों, फिर आप आगे प्ले पे थर्ड पे। देखो कौन किस बच्चे किस में खेल रहे हैं, इसमें खेल रहे हैं। ठीक है, तो आपका 5 नंबर पर क्या आएगा, फिगर 5 आपका प्ले में आ जाएगा। ठीक है, फिगर नंबर 5। ठीक है, सभी बच्चों को अच्छी तरह समझ में आ रहा है। ठीक है, और क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाते हैं। फिर आप 4 लिखोगे ईट हेल्दी फूड। देखो हेल्दी फूड इसमें किस में खा रहे हैं, इसी में खा रहे हैं, एक ही है। नहीं, ये आपका गाजर, ये आ गया 3 नंबर पे। ठीक है, इसमें ये ड्रिंक कर रहे हैं, ड्रिंक मतलब पानी पी रहे हैं। ठीक है, इसमें आपका हेल्दी फूड, ये गाजर खा रहा है। ठीक है, तो आपका 3 आ जाएगा, फिगर नंबर 3। ठीक है, ऐसे सभी बच्चे लिखेंगे। फिर फिफ्थ पे आ जाते हैं। फिफ्थ में दिखा है डू एक्सरसाइज, डू एक्सरसाइज आपका 1 नंबर फिगर में हो रहा है। ठीक है, तो आपका ये फिगर नंबर 1 हो जाएगा।
ठीक है, ड्रिंक वाटर, ड्रिंक वाटर कौन से फिगर में, फिगर नंबर छः, फिगर नंबर छः, ठीक है। तो जो आपके टीचर चेक करेंगे तो वो सीधा देखेंगे बच्चे ने स्लिप वेल फिगर नंबर फोर पे राइट है, ठीक है, हैंड वॉश फिगर नंबर टू पे ये भी करेक्ट है, प्ले फिगर नंबर फोर पे ये भी, फिगर नंबर प्ले फिगर नंबर फाइव पे ठीक है ये भी करेक्ट है, हेल्दी फूड फिगर नंबर तीन पे हेल्दी फूड खा रहा है, डू और डू एक्सरसाइज फिगर नंबर वन पे ये भी करेक्ट है, ड्रिंक वाटर फिगर नंबर सिक्स पे ये भी करेक्ट है। तो ये कितना आसान रहा आप लोगों को करना, वही अगर एक स्टूडेंट पूरा डायग्राम बना रहा है फिर इसमें फिल कर रहा है ठीक है, तो उसमें बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होता है और वो वेस्टेज ऑफ टाइम वाली बात है ठीक है। आपको क्वालिटी ऑफ एजुकेशन लेनी है, आपको सीखना है, सिर्फ डायग्राम को देख के आपको सीखना है। आप लोगों ने वीडियो में देख लिया, आप सीख गए, आपने इसके आंसर लिख दिए, दैट्स फिनिश ठीक है। तो बच्चे जो अदर वर्कशीट से करते हैं डायग्राम बनाते हैं या फिर उनको सही से नहीं बताया जाता तो उन लोगों के साथ प्रॉब्लम होती है ठीक है। तो जो आपको अगर आपको जहाँ अच्छा लगता है आप वहाँ से वर्कशीट कीजिए ठीक है। चलिए आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी बच्चे बी करके नोट डाउन करेंगे, प्रिपेयर अ हेल्दी मील फॉर योर सेल्फ बाय सेलेक्टिंग एनी फोर आइटम्स फ्रॉम गिवन बॉक्स ठीक है। सभी बच्चे से नोट डाउन करेंगे फटाफट ठीक है, फिर आपको कुछ नहीं उतारना है, ये कोई बच्चा नोट डाउन नहीं करेगा, ये कुछ भी नहीं ठीक है, आपको कुछ नोट डाउन नहीं करना है इसमें से ठीक है। मैं जो लिखवाऊंगा आपको सिर्फ नंबर एक डालना है ठीक है, नंबर एक डाल के सभी बच्चे लिखेंगे। देखो आपको एक हेल्दी डाइट बनानी है अपने लिए ठीक है, तो इसमें से पिज्जा हेल्दी डाइट नहीं होगी, चपाती होगी, सबसे पहले हम चपाती पिक करेंगे ठीक है, चपाती लिखेंगे सभी बच्चे, चपाती ठीक है, ये आपका एक नंबर पे हो गया। सभी बच्चे दो नंबर डालेंगे, देखो फिर आ जाता है क्या, मिल्क, मिल्क भी एक हेल्दी डाइट है ठीक है, तो आप लोग मिल्क भी ले सकते हो ठीक है। फिर आता है बर्गर, बर्गर आपकी हेल्दी डाइट नहीं है, फिर कार्ड आ गया, आप लोग ले सकते हो पर हमने मिल्क ले लिया, तो आगे देखते हैं, नूडल्स भी आपका हेल्दी डाइट नहीं है ठीक है, पल्सेस ले सकते हैं, ये बहुत अच्छी हेल्दी डाइट है आपकी ठीक है, चिप्स नहीं आपकी हेल्दी डाइट नहीं है, फ्रेंच फ्राइज नहीं, कुक्ड वेजिटेबल्स ये आपके हेल्दी डाइट है ठीक है, कुक्ड वेजिटेबल्स ठीक है। तो आपने एक से लेके चार तक सारे लिख दिए ठीक है बच्चों, ये किसी बच्चों को नहीं उतारना, मैं फिर से कट कर रहा हूँ, ये नहीं उतारना ठीक है बच्चों। तो बी आपका कंप्लीट हो गया, बी आपने क्वेश्चन लिखा फिर इसके चार पॉइंट लिख दिए, ये आपका कंप्लीट हो गया ठीक है। ऐसे ही आ जाते हैं सी पे, सी में हम लोग देखेंगे इसमें दिया है फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ठीक है। ठीक है इसमें कहा जा रहा है कि सभी बच्चे पहले नोट डाउन करेंगे इसे, फिर मैं आपको बताता हूँ। पहले लिखोगे आप फिलिंग द ब्लैंक्स बाय चूजिंग सुटेबल वर्ड्स फ्रॉम द बॉक्स ठीक है बच्चों। देखो ये किसी को नहीं लिखना ठीक है, ये कट करेंगे सभी बच्चे, नहीं लिखना, मैं जो आपको लिखवाऊंगा सिर्फ ये लिखना। सभी बच्चे नंबर एक डालेंगे, नंबर एक ठीक है, आप लोग नोट डाउन करेंगे रिया लाइक्स टू ठीक है। रिया इसमें क्या दिखाया गया है, रिया क्या कर रही है आपके हिसाब से ठीक है, अपने फेस को क्या कर रही है, वॉश कर रही है, तो इसमें से हम लोग वॉश बुक करेंगे, ये लिखना नहीं है सीधा, आपको यहाँ पे लिखना है वॉश ठीक है। तो ये आपको पूरा लिख देना है, रिया लाइक्स टू वॉश हर फेस एवरी मॉर्निंग, तो ये आपका फर्स्ट कंप्लीट हो जाएगा ठीक है। सेकेंड पे आते हैं, सेकेंड आप लोग देखोगे ठीक है, सेकेंड में आप कहते हैं टीना लाइक्स टू ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, फुटबॉल, तो ये फुटबॉल से क्या करते हैं, ये प्ले ठीक है, आपका प्ले आ जाएगा ठीक है। तो आपका टीना लाइक्स टू प्ले फुटबॉल विद हर फ्रेंड्स ठीक है, तो ये आपका सेकंड हो गया, सेकंड आप लोग नोट डाउन कर लोगे ठीक है, ऐसे ही सेकंड नंबर डाल के। फिर आ जाते हैं थर्ड पे, थर्ड आप लोग डालोगे थर्ड नंबर, तो आप लोग देखोगे राम स्लिप्स अर्ली ठीक है, आपका इसमें आ जाएगा अर्ली एट नाइट ठीक है। तो आप लोग लिख दोगे अर्ली एट नाइट, ये आपका पूरा हो गया, तो आप पूरा लिखोगे राम स्लिप्स अर्ली एट नाइट। फोर लास्ट आप डालोगे फोर, राघव लाइक्स टू ईट फ्रूट्स ठीक है, तो ये आपका फ्रूट्स हो गया, ये आपके चार के चार कंप्लीट हो गए। एक बार फिर से बच्चे देख लेंगे, सी आप पूरा उतारेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक का, ये आपको नहीं नोट डाउन करना, फिर आपको नंबर एक करके लिखना है रिया लाइक्स टू वॉश हर फेस एवरी मॉर्निंग, टीना लाइक्स टू प्ले फुटबॉल विद हर फ्रेंड, टीना अपने फ्रेंड के साथ फुटबॉल खेलना पसंद करती है ठीक है, राम स्लिप्स अर्ली मॉर्निंग, राम जल्दी सो जाता है, ये थर्ड आप पूरा लिखेंगे, राघव लाइक्स टू ईट फ्रूट्स, राघव को फ्रूट्स खाना पसंद है, ये आप पूरा लिखेंगे ठीक है। अब ऐसे ही आपका बी कंप्लीट हो गया ठीक है, आई थिंक ये वर्कशीट आपकी कंप्लीट हो चुकी है। तो मैं एक जो इन्फॉर्मेशन आपको पूरी देने वाला हूँ उस गेम के बारे में ठीक है, चलिए यहाँ पर जगह मैं बता देता हूँ। देखो सबसे पहले वो एक गेम है जिसे हम क्विज बोल सकते हैं
इसमें क्या होता है, इसमें मैं आपसे क्वेश्चन पूछूंगा, ठीक है। क्वेश्चन आपका एक नॉलेज का क्वेश्चन होगा, ऐसे नहीं कोई भी क्वेश्चन, उससे आपकी बहुत नॉलेज गेन होगी, ठीक है। तो मैं क्वेश्चन जो भी पूछूंगा डेली वो क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे वर्कशीट होती है तो वीडियो में ही मैं आपसे वो क्वेश्चन पूछ लूंगा, ठीक है बच्चों, वीडियो के अंदर ही। तो क्वेश्चन का आंसर देंगे सभी स्टूडेंट, ठीक है। तो आंसर आपको कहाँ देना है, एक तो टेलीग्राम पे देना है, ठीक है, और एक आपको यूट्यूब के कमेंट में देना है, ठीक है। ये दो जगह आपको उसका आंसर देना है। तो उसका आंसर का जो रिजल्ट होगा, ठीक है, मतलब उन आंसर में से मैं एक स्टूडेंट को पिकअप करूंगा, ठीक है, वो विनर होगा, ठीक है। तो उसका जो नाम होगा वो टेलीग्राम चैनल पे ही मैं पोस्ट करूंगा, क्यों, क्योंकि जब उसका नाम मैं पोस्ट कर दूंगा, ठीक है, उसका नाम मैंने दे दिया, फिर वो स्टूडेंट से मैं उसका एड्रेस लूंगा, ठीक है, एड्रेस और फ़ोन नंबर वगैरह, ठीक है, ताकि मैं उसके घर पे गिफ्ट सेंड कर सकूं, ठीक है। तो इसलिए मैं आप लोगों को कह रहा हूँ टेलीग्राम सभी बच्चे ज्वाइन करें, तभी आप लोग उसमें विनर हो सकते हो और आप लोगों का नाम आ सकता है। और ये क्यों डेली होगा, डेली, ठीक है, ऐसा नहीं है कि एक ही दिन होगा, आपका ये डेली होगा, ठीक है बच्चों। तो इससे क्या फ़ायदा होगा, आप लोगों की नॉलेज भी गेन होगी, आप लोगों को गिफ्ट मिलेगा और आप लोगों को इंटरेस्ट भी आएगा वर्कशीट करने में, पढ़ाई में, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ सभी बच्चे टेलीग्राम ज्वाइन कर लिए, जैसे ही 1000 बच्चे उस पर कम्प्लीट हो जाएंगे, 1000 स्टूडेंट्स, वैसे ही वो गेम स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। आई थिंक 400 to 500 स्टूडेंट कम्प्लीट हो चुके हैं, ठीक है, आप लोगों को नहीं दिख रहा होगा, पर मेरे को जो मैंने वो चैनल बनाया तो मैं देख सकता हूँ, उसमें 1000 स्टूडेंट 500-600 हो चुके हैं। आप लोग अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करें, अगर एक स्टूडेंट अपने 10 फ्रेंड के साथ भी शेयर करेगा, तो अगर 10 स्टूडेंट से भी कर दिए तो 100 स्टूडेंट तो वैसे ही हो जाएंगे पर डे के। तो आई थिंक इस अगर वीक में कंप्लीट हो जाएंगे 1000, तो नेक्स्ट वीक से मैं वो गेम स्टार्ट कर दूंगा, फिर आप लोगों को प्राइज मिलेंगे, स्टूडेंट जीतेंगे, आप लोग नॉलेज भी गेन करोगे। और सबसे बड़ी बात, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, काफ़ी बच्चे हैं जो मेरी वीडियोज़ देखते हैं पर चैनल को उन्होंने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है। सब्सक्राइब करने से क्या होगा, जैसे ही मैं वीडियो डालूंगा वैसे ही आप लोगों को पता चल जाएगा। और मैं अब सारी वर्कशीट डालता हूँ, सारी मैथ, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, सोशल साइंस, सारी वर्कशीट हमारे चैनल पर डाली जाती है, इसलिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि जैसे ही वीडियो डालें नोटिफिकेशन आप पे आ जाए और आप लोग अपना कंप्लीट कर सकें होमवर्क, ठीक है बच्चों। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो वर्कशीट में, टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी, जय हिंद, जय भारत।